Hey guys, this is Ishan from 360 Securities और आज हम देखेंगे कि आप Hikvision के NVR को कॉन्फ़िगर कैसे करते हो और ऑनलाइन कैसे करते हो। आपके स्टार्ट मेन्यू में जाके रन टाइप करना होगा। रन खुलने के बाद आपको CMD टाइप करना होगा। CMD लिख के आपको एंटर दबाना होगा, जिससे आपका कमांड विंडो ओपन अप हो जाएगा। कमांड विंडो ओपन अप होने के बाद आपको IPCONFIG मतलब IP config टाइप करके एंटर दबाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका IPv4 एड्रेस है 192.168.2.8। ये इस सिस्टम का IP एड्रेस हुआ। अब आपको इस IP एड्रेस के हिसाब से अपना NVR का सेटअप करना होगा। इस IP एड्रेस को आप कहीं नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में सेव करके रख लीजिए। तो अब आपने अपना कंप्यूटर का IP एड्रेस देख लिया है। अब आपको आपके NVR को उस IP के साथ में कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसके लिए आपको Hikvision के तरफ से SADP टूल को डाउनलोड करना होगा। SADP टूल को डाउनलोड करने का तरीका अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपना आप क्रोम ब्राउजर ओपन अप कीजिए। यहाँ पे आप सर्च कीजिए SADP टूल। सबसे पहला लिंक जो Hikvision की तरफ से, इसको आप ओपन अप कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा SADP V3 1.8। ये वाला वर्जन जो है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है Hikvision की तरफ से, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको अग्री करते हैं। एक नया लिंक खुल रहा है, ये देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो अब ये टूल डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। यस, नेक्स्ट इंग्लिश, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसको एप्लीकेशन का रन भी कर सकते हैं। इसमें आपको आपका विंडोज डिफेंडर फायरवॉल से परमिशन लेने के लिए आपको अलाउ करना होगा एक्सेस को। अब ये हो गया आपका टूल। ये इसका बेसिक यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ID, स्टेटस, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना NVR को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का। तो NVR को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए अपना NVR को डायरेक्टली पावर दीजिए और ईथरनेट केबल, जो कि एक्सेसरीज टूल किट में आया हुआ है, उससे अपने लैन पोर्ट में कनेक्ट कीजिए। इसके बाद आप सिस्टम में जाइए और अपना SADP टूल ओपन अप कीजिए। इसको यस कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो IP एड्रेस है, जो डिवाइस है, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। तो ये है वो आपका डिवाइस। इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है 192.168.1.64 और अभी करंट स्टेटस इसमें इनएक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक इसे एक्टिव हुआ नहीं है। ये आउट ऑफ द बॉक्स निकला हुआ फ्रेश आइटम है। सबसे पहले इसको आप एक पासवर्ड दीजिए। इसके देने के बाद आपका डिवाइस एक्टिव होगा। तो मेरा एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो मैं अभी दे रहा हूँ,
इनेबल हिक कनेक्ट पे भी क्लिक कर दीजिए, इससे आपका ऑनलाइन होने में काफ़ी हेल्प होता है। इसका भी पासवर्ड दे दीजिए, कंफर्म कीजिए, इसको एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए एक्टिवेशन सक्सेसफुल, हिक कनेक्ट इनेबल्ड। ये आ गया आपका GUID मोड। इसका मतलब कभी आपका NVR का आप पासवर्ड भूल जाएंगे या आपका कोई क्लाइंट भूल जाएगा तो इससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप देख के रिकवर कर सकते हैं, या फिर अपना GUID मोड जो होता है जिससे आप एक बैकअप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पर हमें अभी इसकी दरकार नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखिए आप IP एड्रेस आया हुआ है, यहाँ पे पोर्ट, सबनेट मास्क, गेटवे सब कुछ दिया गया है, और अभी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा आपको याद होगा इस NVR इस सिस्टम का IP एड्रेस था 192.168.2.8, इसका मतलब ये एक 2 सीरीज का सिस्टम पे चल रहा है, तो हम इसको 192.168.2.10 IP एड्रेस दे सकते हैं। और सिमिलरली आप गेटवे को भी चेंज करके 192.168.2.1 दे दीजिए। गेटवे में हमेशा आपका लास्ट में 1 आएगा, जो आपका LAN का कनेक्शन है। अब आप एडमिन पासवर्ड में जाके अपना जो पासवर्ड आपने अभी दिया था एक्टिव करने से पहले वो दे दीजिए। इसके बाद आप बाकी कोई भी आइटम को चेंज मत कीजिएगा, और आपने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए और मॉडिफाई में क्लिक कर दीजिए। पैरामीटर्स मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड। आप देखिए आपका IP एड्रेस चेंज हो चुका है। ये देखिए आपका IP एड्रेस है 192.168.2.10 और गेटवे 192.168.2.1। इसका मतलब अब जो हमारा NVR है और जो हमारा नेटवर्क है वो दोनों सेम सीरीज में आ चुका है। इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने मॉनिटर को डायरेक्टली NVR से कनेक्ट करके कि आपका NVR ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपना NVR को ऑन कीजिए। तो अभी आपका NVR ऑन हो गया है। अब इसको हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, पासवर्ड आपको आपने जो वहाँ पे दिया था वही आपको यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना टाइम जोन सेट कर लीजिए, टाइम मिला लीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए आपने जो IP एड्रेस वहाँ पे दिया था वही IP एड्रेस आपका यहाँ पे आ गया है। इसको नेक्स्ट कीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, हार्ड डिस्क अभी इसमें है नहीं, नेक्स्ट कीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए, ओके। अब आप देखिए आपका सेटअप, सबसे पहले मैं आपका जो नॉइज़ आ रहा है ये एक्सेप्शन का कारण जो एरर आ रहा है इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। ये हो गया आपका बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ सेटअप। नेटवर्क में गए, प्लेटफॉर्म एक्सेस में गए, यहाँ पे अभी इसको दिखा है ऑफलाइन। इसको इनेबल को ऑफ अप्लाई कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, नेटवर्क में जाइए, प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाइए, अभी ये धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाएगा। ये देखिए आपका जो NVR है ये ऑनलाइन हो गया है। इसका मतलब आप इस QR कोड को स्कैन करके अपना NVR को कहीं से भी रिमोटली मॉनिटर कर पाएंगे। एक बार फिर आपको रिकैप के लिए बता देता हूँ
कि आपको मेन्यू में जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने देखा, नेटवर्क में गए, प्लेटफॉर्म एक्सेस में गए, यहाँ पे आप पहले आपको DHCP को इनेबल करना होगा। अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस नहीं लेगा, पर आपने ये सीरीज आपको पहले चेंज करना होगा SADP टूल के ज़रिए। फिर आप प्लेटफॉर्म एक्सेस में गए, यहाँ पे आपने अपना स्टेटस देखा, ऑनलाइन हो गया, इसका मतलब आपका DVR ऑनलाइन हो चुका है, इसको आप रिमोटली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप हिकनेक्ट ऐप के ज़रिए कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह आप हिकविजन के किसी भी NVR को ऑनलाइन कर सकते हैं और SADP टूल के ज़रिए इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कहीं भी जाएं, सबसे पहले उस जगह पे जाके SADP टूल को ज़रूर अपने पेन ड्राइव पे लेके जाएं और वहाँ के लैपटॉप या सिस्टम पे बैठ के पहले अपना NVR को अलग से कॉन्फ़िगर कर लें। इससे आपको IP कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं रहेगा। तो आई गेस आपके इस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है, और कुछ डाउट होने से प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स को लिखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर अपना डाउट्स को लिख के भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक बटन को दबाइए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो।